अभी लग रहा है गंदा वाला बारिश होने वाला है। ये देखिए हर तरफ, देखिए पूरा आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है। Hey guys, very good afternoon. Hope all of you are doing well. अभी बज रहे हैं शाम को 5 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा छत के ऊपर आ गया ऐसे घूमने के लिए। सोचा कि 4 दिन हो गया कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया था, और आज एक वीडियो लेते हैं और अपलोड करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है फिनेंशियल सेक्टर्स में, लाइक यू नो कंट्री का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे तो आप देखेंगे तो अभी बहुत सारा जो सेक्टर्स है, मतलब यू नो फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ के एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग सारा इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली यू नो लॉस में चल रहा है, एंड आगे के दिन में भी वो लॉस में चलने वाला है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि यू नो कोई काम नहीं कर रहा है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो इस वैसे अगर होटल इंडस्ट्री की बात कर किया जाए तो अभी कोई भी होटल्स ओपन नहीं है, चाहे वो छोटे मोटे होटल से लेके बड़े होटल तक भी कोई भी होटल अभी ओपन नहीं है, सारे होटल क्लोज्ड हैं। एंड होटल में जो काम करने वाले बंदे हैं वो भी यू नो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि होटल ओपन नहीं है तो ऑब्वियसली वो लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है होटल इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेसिफिकली टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत गंदी तरीके से यू नो इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस का। अगर बात करेंगे तो एविएशन इंडस्ट्री का भी सेम हालत है, क्योंकि फ्लाइटें चल नहीं रही है, एंड तो ऑब्वियसली कैप्टन, एयर होस्टेस एंड जो भी यू नो फ्लाइट क्रू मेंबर्स हैं वो लोग भी घर पे बैठे हैं, वो लोग का भी जॉब नहीं है फिलहाल के लिए, वो लोग घर पे ही बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री तो पूरा कम्प्लीटली शट डाउन है, ओला ऊबर जो बाकी जो छोटा मोटा जो टैक्सीज चलाते हैं वो सारे के सारे पूरा बंद है गाइस। सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर, एट द सेम टाइम ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी गाइस इस सिचुएशन को मद्देनजर रखे हुए ये कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बोल रहे हैं कि अभी ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है कमर्शियल रियल इस्टेट के ऊपर। जैसे सारे ऑफिसेज़ को अभी पता चल गया कि वो लोग वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं, जो कि उनका जो रेंटल है वो रेंटल बच जाएगा। अगर यू नो ऑफिस में काम कराने से अच्छा है कि वो लोग अगर एम्प्लॉयज़ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं, तो जैसे डेली वेज लोग जो डेली काम करके पैसा कमाते हैं उससे जीते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ट्रबल आगे फेस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ये बोल रहे हैं कि 2008 में जो रिसेशन हुआ था, ये 2020 का रिसेशन जो है उससे बहुत बड़ा होने वाला है। जो लास्ट रिसेशन हम लोग मे बी हिस्ट्री में पढ़े थे 1929 में जो हुआ था, ये उस टाइप का रिसेशन है। हमारे जीडीपी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है ये सिचुएशन की वजह से। हमारा जो जीडीपी है लगभग मिनिमम 2-3 साल नीचे चल जाएगा ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है। आप लोगों को बता दूं कि अभी जो 2 सेक्टर हैं वो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत चल रहा है। जो फार्मा इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए लोगों को, तो फार्मा इंडस्ट्री लगभग ठीक ठाक चल रहा है। इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोग क्या किए हैं, मैक्सिमम बंदे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिए हैं। मेरा जो दोस्त लोग हैं जो चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई में भी रहते हैं कुछ कुछ फ्रेंड्स मेरे, तो उन लोग को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, तो वो लोग घर पर बैठ के अभी फिलहाल के लिए काम कर रहे हैं। हे गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल गाइस, स्टे ट्यून, पीस।